मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य भाई सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया सप्लीमेंट्री में पेज नंबर 55 पर पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे नंबर वेबसाइट लिखी हुई है, इन पे आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। इस समरी को पढ़ाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप हाई स्कूल के छात्र हैं, आपने अगर रजिस्ट्रेशन या बोर्ड के फॉर्म वगैरह के अगर कोई कागज सबमिट नहीं किए हैं उसे समय से पहले आप जमा कर दें जिससे कि आपको बाद में कष्ट ना हो। तो आइए अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। महाराजा विक्रमादित्य का नाम भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है। ही वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, वे अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, एंड विजडम और अपने ज्ञान के लिए। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के बाद, हिज पैलेस, उनका राजमहल, एंड हिज फोर्टिस, और उनका किला पर विंद बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। वन डे बॉयज, कुछ लड़कों ने एक दिन सा ए ग्रीन मंड, एक मिट्टी का टीला देखा। वन ऑफ देम, उनमें से एक, सेट ऑन इट, इस मिट्टी के टीले पर बैठ गया। ही आस्क्ड, उसने लोगों से कहा अपने साथ के साथियों से, टू ब्रिंग देयर केस, कि वे अपना अपना केस लाएं, बच्चों की तरह छोटे छोटे, एंड ही वुड डिसाइड फ्रॉम देम, और वह उनका निराकरण करेगा या उन्हें सॉल्व करेगा। द बॉय हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह लड़का उस मिट्टी के टीले पर बैठते ही बड़ा खामोश और गंभीर हो जाता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भावना उसके अंदर आ जाती थी, एंड जस्टिस और न्याय की भावना वुड केम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी। ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो सच्चाई दर्शाता था। द किंग ऑफ उज्जैन, जब उज्जैन के महाराजा ने विक्रमादित्य के बाद जिन्होंने गद्दी की, गॉट दैट प्लेस डग आउट, उन्होंने उसको उस मिट्टी के टीले को खुदवाया। ही फाउंड देयर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और उस खुदाई में उन्हें विक्रमादित्य की सीट प्राप्त हुई जो एक स्टोन की बनी हुई थी। ही ब्राउट इट टू हिज हॉल ऑफ जस्टिस, वह उसे न्याय के दरबार में ले गए। ही ट्राइड टू सीट ऑन इट, वह उस पर बैठने का प्रयास कर रहे थे, मैनी टाइम्स, कई बार उन्होंने प्रयास किया कि वो राजा उस गद्दी पर बैठ जाए। द लास्ट एंजिल, उस विक्रमादित्य की सीट को जब जमीन से खोदा गया था तो 25 एंजिल उसे लेके निकले थे, उनमें से लास्ट एंजिल फ्लू अप इनटू द स्काई बेयरिंग द सीट अपॉन हिज हैंड, और लास्ट वाला जो एंजिल था 25वां, वो उस सिंहासन को हाथ में लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। थस इस प्रकार जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, हमेशा के लिए इस पृथ्वी से उनका सिंहासन